अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू की तौफीक हो गई, जिक्र से, दुआ से, तौबा से, इस्तिग़फ़ार से, ये बताते खुद फायदा ही फायदा, और अल्लाह ताला कबूल फरमा ले तो इससे कुछ बाइस नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला इस अज़ाब को भी रफा फरमा दे हमसे। लेकिन अफसोस यह है कि जब इस किस्म के हालात पेश आते हैं तो रुख इस तरफ नहीं मुड़ता, अल्लाह ताला की तरफ से रुजू करने का की तरफ रुख नहीं मुड़ता, बल्कि ऐसी फजूल मशगलों में वक्त गुजार दिया जाता है। तो भाई आज फिर हम जिन हालात से दो चार हैं, गिरफ्तार हैं, अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से हमारे शामत आमाल को दूर फरमा दे, हमारे गुनाहों की मगफरत फरमा दे, इस बला को हम पे टाल दे। इसके लिए जरूरत है कि हर मुसलमान जो बेचैन है सिर्फ बेचैनी का इजहार न करे, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करे।